नमस्कार दोस्तों, पीटीटी जो 4 वर्षीय कोर्स है उसका रिजल्ट है जो कि जारी हो चुका है और आपने देख भी लिया होगा। इससे रिलेटिव मोबाइल में कैसे चेक करना है रिजल्ट, उसके बारे में मैंने एक वीडियो डाल दिया है। अब काफ़ी सारे विद्यार्थी के यही कमेंट आ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रही है, कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या रही है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन लगा उन्हें प्रेस कर लीजिए, क्योंकि पीटीटी से रिलेटिव सारी जानकारी काउंसलिंग से लगा करके कॉलेज अलॉटमेंट तक आपको मैं इस चैनल पर उपलब्ध करवाता रहूँगा कि आपको क्या करना है, कॉलेज कैसे भरनी है, कौन सी कॉलेज फिल करेंगे तो हमें कॉलेज मिलेगी, तो इस प्रकार सारी जानकारी वो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। दोस्तों बड़ी बात यह है कि आज का जो रिजल्ट है उसकी पहली बार, हालांकि पिछले साल भी जो मैसेज है वो सभी विद्यार्थियों के फ़ोन नंबर दे रखे थे उस पर सेंड कर दिए थे, आज भी सभी विद्यार्थियों के जो फ़ोन नंबर दे रखे थे उस फ़ोन नंबर पर रिजल्ट है जो कि मैसेज कर दिया गया है। अब इसके बाद में रही कट ऑफ की बात, तो देखिए दोस्तों कट ऑफ कितनी रही और कितनी रहेगी ये अभी आप पर निर्भर है, क्योंकि कट ऑफ अभी जारी होने वाली यानी कि हुई नहीं है। प्रोसेस क्या रहेगा कट ऑफ जारी होने का, कैसे जारी होगी, क्या करना पड़ेगा, तब देखिए दोस्तों अभी केवल अपने रिजल्ट डिक्लेयर किया, नंबर डिक्लेयर किए हैं, कितने कितने नंबर आपके आए हैं, इसके बाद में बोर्ड जो यूनिवर्सिटी है आपके वो आपसे काउंसलिंग करवाएगी, काउंसलिंग यानी कि आपसे वापस फॉर्म भरवाएगी कि मैं बीएससी बीएड या बीए बीएड करना चाहता हूँ। ये ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ऐसे ही एग्जाम दे देते हैं और बीएड बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड ये करना नहीं चाहते, 4 वर्षीय कोर्स करना नहीं चाहते लेकिन एग्जाम दे देते हैं। तो काफ़ी सारे लड़के हैं जो कि एग्जाम दे देते हैं और वो अच्छे अंक भी ले आते हैं और कुछ ले भी नहीं आते हैं, तो कुछ विद्यार्थी हैं वो काउंसलिंग से अपने आप ही बाहर हो जाते हैं, यानी कि आपसे पूर्ण फॉर्म भरवाया जाएगा, उस फॉर्म में आपसे कुछ शुल्क ली जाएगी जो निर्धारित है बोर्ड के द्वारा, वो शुल्क ली जाएगी और उस वो शुल्क लेने के बाद में फिर ये तय होता है कि हम बीएड करने के लिए तैयार हैं, बीएससी बीएड या बीए बीएड के लिए। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में पुनः एक कॉलेज अलॉटमेंट जारी होगा, कट ऑफ उसमें भी जारी नहीं होगी, कट ऑफ फाइनली के इतने नंबर वालों का चयन हुआ है वो उसमें भी जारी नहीं होती है। कॉलेज के अनुसार जिस हिसाब से आपने कॉलेज भरी है काउंसलिंग के समय, उस अनुसार आपको जो एडमिशन है वो मिलेगा, आपका चयन होगा। तो रही बात यही कि कॉलेज कैसे भरनी है, कट ऑफ के बारे में तो मैंने बता दिया कि कट ऑफ अभी जारी नहीं हुई है, कट ऑफ कब जारी होगी, काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद में क्या होगा, आपको कॉलेजें मिलेगी। अब कुछ विद्यार्थी गलती यहाँ करते हैं कॉलेज भरने में कैसे गलती करते हैं, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, उन कॉलेजों को भर दें जिनकी मेरिट है वो हाई रहती है, ज़्यादा रहती है, उनको क्या करते हैं पहले भर देते हैं। अब पहले जो ज़्यादा मेरिट रहती है उस पर कंपटीशन ज़्यादा रहता है, यदि आपके अंक कम है तो आप ऐसी कॉलेजों को भरिए जिनकी मेरिट कम रहती है, और उनकी जानकारी भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा कि काउंसलिंग कैसे करवानी है, कॉलेज कैसे भरनी है, जब तक कि हमारा चयन हो जाए। कट ऑफ के बारे में ऐसे ही पता चलेगा कि आपके नंबर कितने आए हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने अंक है जो कि साझा करिए, तब सभी राजस्थान के विद्यार्थी हैं उनसे पता चलेगा कि कितनी कट ऑफ रही है। बिना अंक साझा किए हमें पता नहीं रहेगा कि राजस्थान में कितने विद्यार्थी कितने अंक लेकर के बैठे हैं और फाइनली काउंसलिंग में कितने विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, 400 450 के आसपास, कुछ ऐसे लोग भी जो एग्जाम देकर के गत साल या उन्होंने बीएड कर भी रखी है या फिर चल रही है उनकी, उन्होंने भी एग्जाम दिया है, तो वो विद्यार्थी भी अच्छे अंक लेके आए हैं, तो वो विद्यार्थी फाइनली काउंसलिंग में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद में जो मेरिट जारी होगी वो भी मेरिट अलग से जारी नहीं होती है, हम कॉलेज के अनुसार चयन करवाते हैं, इतने नंबर वाले का ये कॉलेज अलॉट हुई है, इस प्रकार से ये व्यवस्था रहेगी अपने बोर्ड के द्वारा। आप कट ऑफ के लिए इधर उधर साइटों पे खोज रहे हैं, फर्जी वेबसाइट भी अपने जो राजस्थान में पीटीटी से रिलेटिव एक बनी हुई है उस पर आप फॉलो न कीजिएगा, क्योंकि उस पर भी आपको काफ़ी सारी जानकारी उल्टी सीधी जानकारी मिल सकती है। आपने जो पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप देखते रहिए और उन पर देखते रहिए कि काउंसलिंग के लिए कौन सी डेट है जारी होगी, 2-4 दिन के बाद में आपके काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, उसके लिए निर्धारित शुल्क दे करके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। फिर जो छात्र काउंसलिंग करवाने के लिए उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्हीं को कॉलेज अलॉट की जाएगी। तो ये तो थी अपने
कट ऑफ से रिलेटिव चर्चा और कॉलेज की काउंसलिंग से रिलेटिव। अब काउंसलिंग कैसे होगी इस पर भी अब मैं एक अलग से आप तक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन लगा हुआ है प्रेस कर दीजिए, क्योंकि PTT BSTC और अन्य जानकारी जो कि बेसिक जानकारी है उन सारी जानकारियों को मैं आप तक उपलब्ध करवाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो तक जय हिंद।